नए साल के जश्न के बीच दिल्ली में हुआ खौफनाक वारदात। कार सवार लड़कों ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा। लड़की की घसीटे जाने से हुई दर्दनाक मौत। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नए साल के जश्न के बीच कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से 4 किलोमीटर तक घसीटा। इससे लड़की की मौत हो गई। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के DCP हरिंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार रविवार दरमियानी रात करीब 3 बजे कंजवाला इलाके में पुलिस को एक PCR कॉल मिली। इसमें बताया गया कि एक लड़की निर्वस्त्र हालत में सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। इस सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक लड़की लहूलुहान हालत में वहां पड़ी हुई थी। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। शरीर का ज्यादातर हिस्सा रोड पर रगड़कर गायब हो चुका था। उसकी लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि लड़की शादी व अन्य इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। वो ऐसे ही एक फंक्शन से घर वापस लौट रही थी। ये दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली की है, जहां लोग अपने घरों में नए साल का जश्न मना रहे थे। वहीं अपने घर से निकली एक लड़की जिसके साथ ये भयानक हादसा हुआ। इस मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि करीब 23 साल की लड़की स्कूटी से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान एक कार में सवार 5 लड़के रास्ते से गुजरे और उसी समय उनकी गाड़ी स्कूटी से टकरा गई और भारी एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद कार करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुर से कंझावला इलाके तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। लड़की के शरीर में काफी चोट आई थी। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कार सवार 5 लड़कों को पकड़ लिया है और कार जब्त कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि कार सवार लड़कों का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़के शराब के नशे में थे। फिलहाल तो पुलिस को अभी तक इस घटना से जुड़ा CCTV नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को पकड़ लिया है। घटना को लेकर DCP बाहरी दिल्ली को दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी कर कई बातों की जानकारी मांगी है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति मांगी है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों का ब्योरा भी मांगा है। इसके अलावा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है। स्वाति मालीवाल ने पूछा है कि क्या मृतक के साथ किसी भी सेक्सुअल असाल्ट मामले की जांच की गई है, इस बारे में भी जानकारी दें। वहीं लड़की को टक्कर मारने वाली कार जिस रास्ते से गुजरी वहां की पुलिस चौकियों की सूची दें। स्वाति ने पूछा है कि क्या कार को किसी पुलिस वाले ने रोका था और यह जांच की गई थी कि कार में सवार लोगों ने शराब पी थी या नहीं। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की का परिवार अमन विहार का रहने वाला है। उसके घर में माँ और 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, जिनमें एक 9 साल का और दूसरा 13 साल का है। लड़की के पिता की मौत हो चुकी है। एक बहन शादीशुदा है। सुल्तानीपुर इलाके में SHO ने रात्रि गश्त के दौरान स्कूटी को दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखा था और इसकी जानकारी थाने में 3:55 पर दी थी। स्कूटी नंबर की जांच की गई, जिसके बाद लड़की के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद लड़की कार के पहियों में फंस गई थी। इसके बाद वो काफी दूर तक घसीटती चली गई। पुलिस ने बताया कि कॉल पर किसी ने उनको सूचना दी थी कि एक ग्रे कलर की कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है। इसमें एक डेड बॉडी लटकी हुई नजर आ रही है। इसके बाद तुरंत पिकेट पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क कर दिया गया। पुलिस कार की तलाश करने लगी। इसके कुछ समय बाद पुलिस को PCR कॉल मिली। पुलिस को बताया गया
कि थाना कंझावला में सड़क पर एक लड़की का शव पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। लड़की का शव बीच रोड पर पड़ा था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रोड पर घसीटने की वजह से लड़की के पैर गायब हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SGM अस्पताल मंगोलपुरी भेजा। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। इस मामले में DSP ने कहा कि ये कोई सेक्सुअल असाल्ट नहीं है। हमारी जांच में पता चला है कि ये एक जानलेवा हादसा है। इस मामले में मेडिकल करवाया जा रहा है। हादसे को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में गाड़ी से उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। ये मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी कर रही हूँ। पूरा सच सामने आना ही चाहिए।